खबर रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस के द्वारा एक क्रेटा गाड़ी में लोड कर लाई गई 1160 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। दरअसल पुलिस को सिरप आने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम ने घेराबंदी की, तब तक आरोपी उक्त नशीली कफ सिरप को कबाली मोहल्ले में उतार चुके थे। पुलिस ने क्रेटा गाड़ी और उसके चालक मयंक सिंह को गिरफ्त में लिया और पूछताछ की। उसके द्वारा उक्त नशीली कफ सिरप जब्त करा दी गई। साथ ही प्रसून मिश्रा नाम का एक आरोपी भी पुलिस की पकड़ में आ गया। दोनों युवकों ने पूछताछ में बताया है कि कुंदन नाम का एक तस्कर फरार है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की थी, जहां करहिया मैदानी में क्रेटा गाड़ी के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया था, जिसकी निशानदेही पर 1160 सीसी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पूरे रीवा शहर में नशीली कफ सिरप का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। चाहे वह कबाड़ी मोहल्ला हो, घोघर, बिछिया, ठेकाहा या अन्य जगह, आपको हर कार्यालय, पार्क और पुल के आसपास नशीली कफ सिरप की शीशियों के ढेर दिख जाएंगे और उक्त कारोबार पुलिस कर्मियों की साठ गांठ से ही फल फूल रहा है। आइए सुनते हैं पूरी कार्यवाही को लेकर सीएसपी ने क्या जानकारी दी है। पंचायत के भाई रहिए सारे जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी में ऑनरेक्स प्रतिबंधित ऑनरेक्स कप सिरप की को कबाड़ी मोहल्ला में उतारने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। इस संबंध में यातायात ट्रैफिक द्वारा पॉइंट्स लगाए गए थे, तो यातायात पुलिस के अखिलेश द्वारा देखा गया कि क्रेटा गाड़ी आई है, तो तत्काल उसके द्वारा गाड़ी को रोका गया। चूँकि वो पेटियाँ उतार चुके थे, तो गाड़ी को रोकते हुए तत्काल सिविल लाइन थाना प्रभारी को सूचना दी एवं सूचना मुझ तक आई। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में बात लाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार आगे कार्रवाई करने के लिए एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसमें मयंक सिंह था जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसे पकड़ा गया एवं क्रेटा गाड़ी को थाने में रखा गया, जानकारी ली गई। दो व्यक्ति भाग गए थे, जिसमें एक प्रसून मिश्रा था और कुंदन। तो प्रसून को ढेखा के पास पकड़ा गया है, जिसमें और कुंदन फरार है अभी, तो उसकी तलाशी, उसको जानकारी ली जा रही है कि अभी कहाँ है, पता तलाशी की जा रही है। गाड़ी के मिलने के बाद जो व्यक्ति पकड़ा गया उससे जानकारी प्राप्त की। जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी मिली कि मैदानी में एक कॉलोनी है, जहाँ एक मकान में कुछ अवैध रूप से पेटियां रखी गई हैं ऑनरेक्स कप सिरप की। जानकारी में बताए अनुसार स्थान पर गए और स्थान पर जाकर पाया गया कि प्रतिबंधित कप सिरप रखा गया है, जिसमें 1166 सीसियां प्रतिबंधित ऑनरेक्स कप सिरप जब्त किया गया, जो लगभग 2,10,000 रुपये कीमत का है। क्रेटा गाड़ी जब्त की गई जो लगभग 17 लाख रुपए की है। कुल कीमत की जो मशरूका है वो लगभग 20 लाख रुपए की जब्ती की गई है और प्रतिबंधित ऑनरेक्स कप सिरप पर थाना सिविल लाइन और मृगेंद्र गौरव साइबर सेल की हमारी पूरी टीम रही और सिविल लाइन की पूरी टीम ने कार्रवाई की है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। और अभी पूछताछ जारी है, पूछताछ में जो भी संबंधित व्यक्तियों के नाम आते हैं आगे उसमें विवेचना में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। अभी संबंधित विषय में जानकारी ली जा रही है और आगे जो भी कार्यवाही होगी उससे आपको सूचित किया जाएगा। ये मयंक सिंह, अभी पूछताछ लगातार जारी है। अभी हमारे पास जो व्यक्ति हैं, आरोपी हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। संबंधित विषय में जो भी आगे जानकारी होगी उसको विवेचना में लिया जाएगा और अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।